राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी प्रतिक्रिया देते समय बिहार के लाखों नौजवानों, छात्रों और युवाओं की जिम्मेदारियों को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके सपनों को मैं अपने कंधे पर महसूस कर रहा हूं। और हमें लगता है कि जिस सरकार को लेकर के ये प्रचार फैलाया जा रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार है, ये सरकार बिहार के नौजवानों के लिए, यहाँ के छात्रों युवाओं के लिए डबल बुलडोजर की सरकार साबित हो रही है, जो उनके शिक्षा और रोजगार को लगातार कुचल रही है। अभिभाषण के अंदर सरकार ने अपनी उपलब्धियों पर जो बात कही, इस पे मैं बाद में आऊंगा। पहले जिन उपलब्धियों को सरकार ने छोड़ दिया, मैं चाहता हूं कि उसकी तरफ इस सदन का ध्यान आकृष्ट कराऊं। मसलन सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को छोड़ दिया कि पिछले 15 साल के अंदर बिहार के भीतर ऐसी कोई परीक्षा नहीं हुई जिसके अंदर खुल करके पेपर लीक, भ्रष्टाचार, अनियमितता और सेटिंग न हुआ हो। बहालियों से लेकर के मैट्रिक तक की परीक्षा, कोई परीक्षा बचा हुआ नहीं है। तो क्या हम ये समझ ले कि चोर दरवाजे से कुर्सी पर बैठी हुई सरकार इस बिहार के अंदर शिक्षा के अंदर, परीक्षा के अंदर चोरी नहीं रोक सकती है? क्या हम इस बात को मान ले? सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को छिपा के रखा हुआ है। सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को छिपा के रखा हुआ है। बनाए रखे नए सदस्य हैं कि सरकार लंबे समय से इस सरकार ने सदियों शब्द बिहार के भीतर सिटिंग के पाठ नहीं बनेंगे। चले नए सदस्य हैं, थोड़ा सा बताइए महोदय। माननीय सदस्य, नए सदस्य आप आसन की ओर महोदय संसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। सरकार ने अपनी प्रयोग कर रहे हैं महोदय। सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को भी छिपा लिया है कि लंबे समय तक सैकड़ों नए सदस्य हैं बोल रहे हैं। महोदय सरकार ने अपनी इस उपलब्धि को भी छिपा लिया है कि कैसे वर्षों तक बहालियों को लटका करके रखा जाता है। तमाम बहालियां आ रही हैं। 3 साल से बिहार के 94,000 टीटी के छात्र, वो उनका पेंडिंग पड़ा हुआ है। आजकल डेट बढ़ा हुआ है, सरकार जानबूझकर के उसको कोर्ट में फंसा कर रखी हुई है। 2014 में बिहार एसएससी की बहाली आई है, आज तक उस बहाली का ज्वाइनिंग तक नहीं पहुंच पाया। इस पे एक शेर हम भी फरमाना चाहते हैं। अर्ज किया है, पहले तो बहालियों का नामो निशान नहीं, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं। परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, और परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं। आखिर बिहार के युवाओं का क्यों सम्मान नहीं, ये हम सवाल पूछना चाहते हैं। और 3 मांग हम बिहार के तमाम छात्रों और नौजवानों की तरफ से इस सदन के सामने रखना चाहते हैं, जिसमें इस दस्तावेज के भीतर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के भीतर जिसको छोड़ दिया गया है। कोई सरकार अगर कहे कि हम 19 लाख रोजगार देते हैं, इसका यह कतई मतलब नहीं हो सकता कि आप उसको स्वरोजगार से रिप्लेस कर दें, स्वरोजगार से उसको हटा दें। स्वरोजगार को सरकार द्वारा दिया गया रोजगार नहीं कह सकते। स्वरोजगार आज से नहीं चल रहा है, जब से सरकार नहीं बनी थी तब से चल रहा है। लेकिन कर्ज को ये लोग कह रहे हैं कि हम इसको रोजगार में गिनती कर लेंगे। जैसे एक समय देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हम पकौड़ा तलना को सरकार द्वारा रोजगार देना कहेंगे। देश के गृह मंत्री ने कहा था कि चौराहे पर भीख मांगना भी तो एक रोजगार है। और आज यहाँ सरकार कह रही है कि हम लोन दे देंगे, कर्ज दे देंगे और आप उसको रोजगार मांगिए। 3 मांग हम यहाँ पे रखना चाहते हैं। पहली मांग हमारी है आप कंक्लूड करें, आपके सरकार 19 लाख रोजगार दे। आप कंक्लूड करें, हमारी दूसरी मांग है। आप टोका टोकी ना करें, हमारी दूसरी मांग है कि बिहार के अंदर समय कंक्लूड करें। महोदय हमारी दूसरी मांग है कि लंबे समय से जिस तरीके से दूसरे सदस्य को बिहार के भीतर पेपर लीक और भ्रष्टाचार समय पूरा हुआ। महोदय अभी तो 4 मिनट ही हुआ। माननीय श्री महोदय,
19 लाख रोजगार सरकार दे, ये हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। इसके साथ अजीत कुशवाहा सरकार निकाल रही है, तमाम समय सीमा निर्धारित की जाए और उस समय सीमा के अंदर बहाली न हो तो उस विभाग के ऊपर कार्रवाई की जाए। महोदय समय आ जाए, आप दूसरे सदस्य को बोलने दीजिए। आपका समय जो 6 मिनट दिया गया था वो पूर्ण हुआ। अजीत कुशवाहा जी, आए बैठिए बैठिए, अब तो बैठ जाइए आप, अब बैठ जाइए आप, हो गया विषय। अब नए सदस्य हैं, वो हो गया, बैठिए। नए सदस्य हैं उनको माननीय सदस्य, एक मिनट सुन लें, आप बैठिए सभी लोग बैठ। नहीं नहीं, अब आप ही के दल के दूसरे सदस्य का श्री अजीत कुशवाहा जी बोलेंगे। जितना समय आपके नेता लिख के दिए हो गया, अब अजीत आपके तो दूसरे लोग नहीं बोल पाएंगे, तो आपके फिर दूसरे सदस्य का समय नहीं बचेगा। आया ठीक है, तो आप ही बोल दें, चर्चा की है। अब नए सदस्य सुने कहना, आज बिहार की जनता को सीखने का अवसर मिलेगा, नमक छिड़कने जैसा है। वो जनता जो 2000 किलोमीटर पैदल चल करके आई थी और सरकार ने कहा कि सीमा के अंदर नहीं आने देंगे, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए, उस पर कोई बात नहीं हो रही है। लॉकडाउन को कैसे गरीब जनता के आपदा को कॉरपोरेट के अवसर में तब्दील कर दिया गया, इस पूरे चीज को दस्तावेज से गायब कर दिया गया। महोदय सरकार कह रही है कि अपराध पर कड़ाई से अंकुश लगाने का काम यह सरकार कर रही है। इस पे मुझे कुछ नहीं कहना है। बिहार के भीतर जितने समाचार पत्र हैं, हर दिन वो समाचार पत्र इसकी सच्चाई कह रहे हैं। अगर किसी दिन अखबार के फ्रंट पर कोई अपराध की घटना नहीं होती है तो हम लोग को डर लगने लगता है कि कहीं बिहार का सुशासन ढीला तो नहीं पड़ रहा है। ये स्थिति बिहार के अंदर बनी हुई है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहा जा रहा है, दस्तावेज के अंदर है। हम पूछना चाहते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में जाएं, सारे सदस्यगण इससे वाकिफ होंगे, हर इलाके के अंदर अगर थाना की बात करें तो जिसका सर फूट गया थाना प्रभारी उससे भी 5,000 लेते हैं और जिसने सर फोड़ा उससे 10,000 ले लिया जाता है। ब्लॉक से लेकर के अनुमंडल तक हर जगह करप्शन फंसा हुआ है। इंदिरा आवास के लिए खुला रेट चल रहा है बिहार के अंदर, 25,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। शौचालय बनवाने के लिए आपको 3,000 रुपए देना पड़ेगा।